एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनीशा स्टाइल्स। और मैं हूँ अनीशा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो ये है कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक फेशियल किट। एस फ्रेंड्स, बहुत अफोर्डेबल फेशियल किट है एंड वो होम फेशियल किट है। आप आराम से घर पर ही बैठकर अपने फेस को पार्लर जैसा ग्लो फेशियल आप आराम से घर पर ही कर सकते हो। एंड मैं आज आपको फेशियल के बारे में बताने वाली हूँ कि ये पॉन्ड्स का चारकोल एंटी पोल्यूशन फेशियल किट है एंड इसका प्राइस है कि ओनली 300 रुपीज़। मैं इसे अमेजोन से मैंने परचेज़ किया है एंड 300 तो मुझे नहीं पड़ा, मतलब 250 के आसपास, 230-250 उतना ही पड़ा। एंड मैं आज आपके साथ जो है फिर से इसका एक डिटेल रिव्यू भी मैं शेयर करने वाली हूँ। एंड इसका आउटर पैकेजिंग कुछ आपको ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा इसका इनर पैकेजिंग। एंड ये ऐसा ट्यूब के फॉर्म में आपको आता है एंड इसमें टोटली 6 स्टेप्स मिलते हैं आपको इस फेशियल किट में। बहुत क्यूट सा फेशियल किट है, मुझे बहुत अच्छा लगा इस फेशियल किट। करने में कुछ भी डाउट वगैरह, मतलब आपको पहली बार आप ट्राई कर रहे हो तो फेशियल इधर पर आपको सभी स्टेप्स वगैरह सब कुछ आपको मेंशन कर देंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 जो है फेस वॉश है, स्टेप 2 जो है वो है स्क्रबिंग, स्टेप 3 जो है वो नरिशिंग क्रीम है, स्टेप 4 जो है मसाजिंग क्रीम, स्टेप 5 जो है वो है पील ऑफ मास्क और स्टेप 6 जो है वो है फिनिशिंग क्रीम। एंड सभी आपको कितना टाइम तक आपके फेस पर करना है सब कुछ इधर मेंशन कर देगा एंड उधर उसका क्वांटिटी सब कुछ एंड इधर उसका एक्सपायरी डेट वगैरह सब कुछ जो है वो है मेंशन कर देगा। एंड आपको परचेस करना हो तो मैं लिंक जो है वो है डिस्क्रिप्शन पर मेंशन कर दूंगी, आप आराम से जाकर जो है आप परचेस भी कर लीजिए। एंड चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में जो है वो है मूव ऑन करते हैं। वीडियो में मूव ऑन करने से पहले आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को करना है लाइक और बेल बटन को भी ऑन करना है, क्योंकि जो भी मेरे नोटिफिकेशन से आपके पास जल्द से जल्द आ जाएंगे। और कीजिए फ्रेंड्स मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो, मेरे इंस्टाग्राम आईडी है अनीशा स्टाइल्स। एंड चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के लिए वीडियो में आपको कुछ स्टेप्स भी बताना चाहती हूँ। हमेशा आप फेशियल करते वक्त जो है आपको ऐसा फेशियल बैंड जो है वो है ऐसा लगा लेना चाहिए, नहीं तो आपके हेयर पर जो है वो लग जाएगा क्रीम वगैरह सब कुछ एंड आपके हेयर जो है वो है डैमेज होने के चांसेस भी होते हैं। एंड आपके पास फेशियल बैंड ना हो तो आप तुरंत परचेज़ कर लीजिए, नहीं तो आप कोई सा भी अच्छा सा हेयर बैंड जो है वो भी डाल सकते हैं जब फेशियल करते वक्त। जो फर्स्ट स्टेप होता है वो है कि यहाँ पर फेस वॉश, मैं फेस वॉश ही यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, इस पर जो है वो है फेस वॉश ही लिखा है। एंड आपको कुछ इसका टेक्सचर जो है आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। आपको 2-3 मिनट्स तक अच्छे से फेस को वॉश कर लेना चाहिए एंड पहले मैं पानी से जो है वो है मेरा फेस जो है वेट कर लिया है एंड उसके बाद मैं यहाँ पर फेस वॉश कर रही हूँ। एंड फेशियल का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो है कि क्लेंजिंग, नहीं तो फेस वॉश। हमेशा हमारे फेस को जो है फेशियल करने से पहले अच्छे से फेस वॉश कर लेना चाहिए, जो भी डर्ट होगा, जो भी पोल्यूशन, जो भी अनवांटेड जो भी हमारे स्किन पर होगा ना वो अच्छे से रिमूव हो जाएगा। अपना फेस जो है वो है अच्छे से वॉश कर लिया है, अब आप देख सकते हो अच्छे से मैंने अपनी एंड स्क्रबिंग कुछ ऐसा दिखता है, स्क्रबिंग कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। एंड ये स्क्रबिंग ना मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इसमें जो है हार्श, मतलब दरदरापन नहीं है, बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छा लग रहा है जब हम स्क्रबिंग कर रहे तो अपने फेस पर। एंड 5-7 मिनट तक हमको अच्छे से ऐसा स्क्रबिंग करना है हमारे फेस पर। एंड स्क्रबिंग जो है हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हमारा स्किन हमारे फेस पर जो काफ़ी डेड लेयर जो जमी होती है ना वो सब कुछ निकाल देता है स्क्रबिंग। एंड स्पेशली हमारे वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स जो होते हैं ना उसे भी आराम से रिमूव कर देता है। एंड कभी भी हमें स्क्रबिंग भी जो है वो स्किप नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स भी दिखा रही हूँ आपको कैसा स्क्रबिंग करना चाहिए, आपको ऐसा ही स्क्रबिंग करना चाहिए।
आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्क्रबिंग नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने स्किन को जो है वो ऐसे से लिफ्ट करना चाहिए। एंड कब डाउनवर्ड डायरेक्शन में करेंगे तो आपका स्किन जो है वो बहुत इधर लटकने भी पड़ जाएंगे, इसलिए बहुत झुर्रियाँ भी पड़ जाएंगे, रिंकल्स भी पड़ जाएंगे। यहाँ पर कुछ वाटर भी स्प्रे कर लिया है मैं। यहाँ पर जैसे जैसे स्टेप्स दिखा रही हूँ आपको, वैसे ही अपने फेस को जो है मसाज देना चाहिए, मतलब स्क्रबिंग करना चाहिए। एंड आपको पार्लर जाकर ना बहुत अमाउंट इन्वेस्ट करने की भी आपको ज़रूरत भी नहीं है, मैं जैसा दिखा रही हूँ आपको बस वैसे ही स्टेप्स जो है वो है फॉलो करना चाहिए। स्क्रबिंग भी जो है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं करना चाहिए हमारे फेस पर, ओनली 5 to 7 मिनट्स अच्छे से हमारे फेस को जो है वो है स्क्रब कर लेना चाहिए। यहाँ पर अपना फेस जो है वो है अच्छे से वॉश कर लिया है, आप देख सकते हो। मेरा फर्स्ट स्टेप है वो है कि ये नरिशिंग क्रीम। ये नरिशिंग क्रीम हमारे स्किन पर हम क्यों अप्लाई करते हैं, नरिशिंग क्रीम में रहता क्या, उसमें विटामिन B3 एंड विटामिन ई होता है जिसको हमारे स्किन को जो अच्छे से नरिशमेंट जो है वो है प्रोवाइड करता है। एंड ये कुछ ऐसा जेल के फॉर्म में आपको दिखता है, मतलब आप जब अपने स्किन पर अप्लाई करेंगे तो आपको उसके बाद जो है आपको डायरेक्ट 4 स्टेप में आपको चले जाना चाहिए, आपको कुछ भी अपना फेस जो है वॉश करने की ज़रूरत भी नहीं है, मतलब एक जेंटल एक आपको एक जेल क्रीम का जैसा दिखता है। एंड आपको इसे अच्छे फिंगर टिप्स से अच्छे से मसाज करना है अपने फेस पर। आपके स्किन पर बहुत एक हाइड्रेशन जो है प्रोवाइड करता है। बाद जो फेशियल का जो 4th स्टेप आता है वो है कि मसाजिंग क्रीम। एंड मैं यहाँ पर थोड़ा सा मसाजिंग क्रीम लेती हूँ, ये कुछ आपको ऐसा देखने को मिलता है। एंड इसे हमारा फेस जो है अच्छे से 10 to 15 मिनट्स तक हमारे फेस को जो है वो अच्छे से मसाज कर लेना चाहिए। मसाज क्रीम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टेप हमारे स्किन के लिए, क्योंकि हमारा स्किन जो है वो बहुत कुछ लोगों का स्किन जो है वो है रिंकल्स पड़ जाता है, झुर्रियाँ भी पड़ जाती है, इसलिए हमारे स्किन को जो है वो अच्छे से मसाज करना चाहिए। यानी इधर देख लीजिए, मैं यहाँ पर कुछ मसाजिंग स्टेप्स भी आपको दिखा रही हूँ। एंड हमेशा आपको अपवर्ड डायरेक्शन ही आपको मसाज करना है, ना कि डाउनवर्ड डायरेक्शन। टू 15 मिनट्स तक आपको अच्छे से मसाज करना है अपने फेस पर। ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छे से प्रोवाइड होगा। एंड उसके बाद आपका स्किन जो है वो बहुत ब्राइट भी करने लगेगा। एंड यही स्टेप्स आपको अच्छे से रिपीट अपना फेस जो है वो है कर लिया है वॉश। एंड क्योंकि मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है कि फेस मास्क। यहाँ पर चारकोल का जो है पील ऑफ मास्क जो है मैं अप्लाई कर रही हूँ। आपको पील ऑफ लगाते टाइम ना ड्राई फेस पर पील ऑफ नहीं अप्लाई करना चाहिए, आपको थोड़ा सा अपना फेस जो है वो है वेट कर लेना चाहिए, उसके बाद जो है आपको पील ऑफ मास्क जो है अप्लाई करना चाहिए अपने फेस पर।
मैंने जो है पील ऑफ मास्क जो है वो है अप्लाई कर लिया है एंड मैं इसे नेचुरली ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी, मतलब मैं फैन के नीचे जो है कहाँ पर भी नहीं बैठूंगी, ओनली मैं नेचुरल से इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी विद इन 15 to 20 minutes। मेरा फेस मास्क है वो पूरी तरह से फाइनली सूख चुका है, मतलब किधर भी वेट नहीं दिख रहा है एंड मैं इसे आपके सामने ही पील ऑफ करती हूँ। एंड इस मास्क की खासियत ये है कि आपके फेस पर जो भी ब्लैक हेड्स हो वाइट हेड्स हो वो है ईजी से रिमूव हो जाते हैं एंड वो वीडियो है कि हाउ टू रिमूव ब्लैक हेड एंड वाइट हेड्स ऑन योर फेस एंड उस वीडियो आप नहीं देखा हो तो मैं उसका लिंक जो है फिर भी डिस्क्रिप्शन पर मेंशन कर दूंगी, आप वहां पर जाकर आराम से चेकआउट कीजिए। अपना फेस जो है वो है कर लिया है वॉश, अब आप देख सकते हो एंड मेरा फेस जो है बहुत स्मूथ दिख रहा है, एकदम पहले से काफ़ी बेहतर दिख रहा है मेरा फेस। बारी आती है फेशियल की, जो है लास्ट स्टेप वो है कि 6th step एंड इसका नाम है कि फिनिशिंग क्रीम। एंड इस क्रीम की खासियत ये है कि हमारा स्किन को जो है वो है डैमेज होने से बचाता है। हम इस क्रीम को थोड़ा सा अपने फिंगर्स में लेते हैं, ऐसे अप्लाई कर लेना है। मतलब हमारे स्किन को जो है वो है डैमेज नहीं करता है। क्रीम को जो है वो है अप्लाई कर लिया है एंड वो इजीली मेरे स्किन पर जो है वो है ऑब्जर्व भी किया है। आज आपको कुछ टिप्स भी देना चाहती हूँ रिगार्डिंग टू फेशियल एंड जो टिप नंबर 1 ये है कि आप कभी भी फेशियल करते टाइम जो है आपको ऐसा का फेशियल बैंड जो है वह परचेज कर लेना चाहिए एंड आपके पास फेशियल बैंड ना हो तो आप सिंपल आपको हेयर बैंड भी आप डाल सकते हो। मैं ये बोल रही हूँ कि हमारे हेयर को जो है वो है प्रोटेक्ट मिलता है जब आप फेशियल्स वगैरह आप अप्लाई करेंगे तो हेयर को जो है वो है कुछ भी लगना नहीं चाहिए क्योंकि वो थोड़ा सा केमिकल होता है इसलिए। एंड जो सेकेंड टिप मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि कभी भी आप फेशियल करते टाइम जो है वो है फेशियल जो है इवनिंग प्रिफर कीजिए, नहीं तो नाइट प्रिफर कीजिए। मॉर्निंग टाइम कभी भी आप बाहर जा रहे हो तो आप फेशियल कर ना बाहर मत जाइए क्योंकि आप फेशियल कर ऐसे ही बाहर जाएंगे तो आपको मेकअप अप्लाई करना होता है, नहीं तो आप सनस्क्रीन भी अप्लाई करना होता है एंड फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। आप जब फेशियल करके मेकअप और सनस्क्रीन जो वगैरह दूसरे क्रीम जो लगाकर बाहर जाएंगे तो फेशियल का पूरा नुकसान हो जाएगा, इसलिए हमेशा फेशियल है जो है वो है इवनिंग में ही आपको प्रिफर करना चाहिए। मैं थर्ड टिप ये बताने वाली हूँ कि कभी भी आप फेशियल करते टाइम ना तुरंत जो है आपको फेस वॉश नहीं यूज़ करना चाहिए। फेस वॉश हो चाहिए मतलब दूसरे कुछ चीज़ें मॉइस्चराइजर्स वगैरह क्रीम्स आपको कुछ भी नहीं यूज़ करना चाहिए। आपको जस्ट फेशियल कर अपने फेस को जो है ऐसे ही छोड़ देना चाहिए एंड नेक्स्ट डे सुबह उठकर जो है अपना डेली स्किन केयर रूटीन जो है वो आपको फॉलो। तो मैं फोर्थ टिप जो लास्ट टिप जो देने वाली हूँ कि कभी भी फेशियल करते टाइम जो है हमेशा अपने हैंड जो है अच्छे से क्लीन रखना चाहिए। 1 से 2 बार अच्छे से अपना हैंड जो है वो है हैंड वॉश से वॉश कीजिए क्योंकि आप ऐसे ही मतलब मोबाइल वगैरह मतलब कुछ भी छू लेते हो ना तब अपने जो वो जेम्स जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो हमारे फेस पर जो चले जाते हैं, इसलिए हमेशा फेशियल करते टाइम ना हमको ध्यान रखना है कि हैंड जो है वो अच्छे से क्लीन।
ओके फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो, या थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो, या थोड़ा सा भी आपको सीखने को मिला हो तो वीडियो पर एक ज़रूर सा एक लाइक कीजिए फ्रेंड्स। और चैनल पर नए हो तो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो, पहली बार देख रहे हो तो, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए फ्रेंड्स, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट ना मुझे बहुत मोटिवेट करता है। एंड कीजिए फ्रेंड्स मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो, मेरे इंस्टाग्राम आईडी है कैनिशा स्टाइल्स। एंड मेरा वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। एंड आपको जो है ये फेशियल आपको परचेस करना हो तो मैं लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। आप चाहो तो फ्लिपकार्ट से भी परचेस कर सकते हो, नहीं तो अमेजोन से भी परचेस कर सकते हो। मैं ये अमेजोन से मैंने परचेस किया है। एंड ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन फ्रेंड्स टेक केयर, बाय।